हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूँ अजफर। सो गाइज, आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि आज मैं कैसे यहाँ पर मैट पर बैठकर ये वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि रीज़न बहुत ज़्यादा स्पेशल है। तो इस वीडियो में मैं करने वाली हूँ अनबॉक्सिंग ऑफ द पोर्टेबल स्टडी टेबल जो कि मैंने रिसेंटली परचेज़ करी है फॉर द पर्पस ऑफ गिव अवे। तो गिव अवे में देने के लिए मैंने ये वाली पोर्टेबल स्टडी टेबल्स परचेज़ करी हैं, एंड मुझे काफ़ी सारे बच्चे बोल रहे थे कि आप प्लीज़ दिखाओ तो कि कैसे टेबल्स हैं, और बोल रहे थे कि आप प्रॉपर अनबॉक्सिंग करके दिखाओ। इसके साथ साथ मुझे ये भी लगा कि ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो प्रॉपर टेबल प्लस चेयर नहीं खरीद सकते होंगे, क्योंकि अगर आप नॉर्मल टेबल चेयर लेने जाओगे मार्केट में, आई थिंक आपको ज़्यादा नहीं तो कम से कम रेंज बता रही हूँ 3000 तो पे करनी पड़ेंगे बहुत आराम से। तो आई थिंक उनके लिए ये वाला ऑप्शन बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है, और इसका ये भी है कि पोर्टेबल होती है तो कहीं पर भी आप इसको कैरी कर सकते हो। ज़्यादा महंगी नहीं है और ज़्यादा हैवी भी नहीं है, तो आप इसको कहीं पर भी कैरी कर सकते हो जहाँ पर आपको लगता है डिस्ट्रैक्शन कम है। और ये पर्टिकुलर जो टेबल है ना, इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं। फीचर इन द सेंस मतलब आप इसको काफ़ी ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली हैं, और मैं दिखाऊंगी क्या क्या सेक्शन हैं इसमें जो कि आपकी हेल्प कर सकते हैं। सो इफ़ यू आर प्लानिंग टू बाय अ पोर्टेबल स्टडी टेबल तो आप ये वाली ट्राई कर सकते हो, देख सकते हो। मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी, आई थिंक वैल्यू वाइज ये बहुत सही है, तो इसलिए मैं इसकी प्रॉपर अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाने वाली हूँ। इसको यूज़ करके भी दिखाऊंगी कि कैसे आप इसको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यूज़ कर सकते हो, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इन टू द वीडियो। तो पहले मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाती हूँ। ओके, सो ये है हमारी टेबल और इसको हम खोलेंगे। मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट होती है जब भी मैं कुछ ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ ना, और कोई भी पार्सल आता है ऐसा खोल के देखने में बड़ा मज़ा आता है। तो ये कुछ इस तरीके की टेबल है। ओके, इस पे पॉलीथीन चढ़ी, मैं इसको एक बार हटा देती हूँ। तो ये है कुछ इस तरीके की टेबल। ओके, दिस इज़ एन ऑरेंज कलर, बट आप जो मेरे पास ये चार टेबल्स देख रहे हो ना, ये अलग अलग कलर्स के हैं, तो जो भी जीतेगा उसको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स मिलेंगे। ओके, ये ज़रूरी नहीं कि आपको ऑरेंज ही मिले, आपको डिफरेंट मिल सकता है। तो ये कुछ ऐसे दिखती है सामने से। ओके, एंड पीछे से कुछ ऐसी दिखती है, तो हम इसको ओपन करके दिखाते हैं आपको। ओके, एंड इसके साथ ना ये भी आया है। ओके, ये कैसे यूज़ करोगे मैं आपको दिखाऊंगी। तो बेसिकली आपको, आप ये देख सकते हो, इसको आपने इस तरीके से ओपन करना है, ये ऐसे ओपन हो जाएगा, एंड देन आप इसको इस तरीके से रख सकते हो। हो गया। ओके, थोड़ा मैं इसको नीचे कर देती हूँ कैमरा को, बिकॉज़ आई थिंक आपको ठीक से दिखेगा नहीं। तो हमने थोड़ी सी जुगाड़ लगाई है यहाँ पे। ओके, जो टेबल्स पहले से रखी थी इसके ऊपर मैंने इसको टिका दिया ताकि आप सही से देख सको। तो ये ऐसी कुछ दिखती है यहाँ से, एंड देन पीछे से ये कुछ ऐसी दिखती है। ओके, अब क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको बताती हूँ। ओके ओके, सबसे पहले ठीक से हो जा, हट जा यार। ठीक है, तो ये है हमारी टेबल। अब मैं आपको इसको ओपन करके दिखाती हूँ। तो ये वाला सेक्शन आपको ओपन नहीं होगा, आप देखो, ये वाला सेक्शन आपको ओपन नहीं होगा, बट ये वाला सेक्शन आपका ओपन हो सकता है। टन टना। ओके, और आप इसको ओपन करने के बाद यू कैन सी यहाँ पर आपको कुछ लेवल्स दिख रहे हैं, और ये आपको इसमें टिकाना है जितना भी आपको स्लांट रखना है इसको, मतलब जिस भी लेवल पर आप इसको लगाओगे उतना वो स्लांट हो जाएगा। ओके, ऐसे करके आपको करना है, तो इतना स्लांट ये हो जाएगा, और इतना भी कर सकते हो, लाइक ये है सबसे ज़्यादा, तो कुछ इस तरीके से दिखेगी। एंड यहाँ पर ना, इस स्पेस में आप कोई भी अपनी कॉपी, कोई भी अपना लैपटॉप, या फिर आपका कोई आईपैड है, या फिर कुछ भी ऐसा है, वो आप यहाँ पर रख कर पढ़ सकते हो। बट इसको टिकाओगे कहाँ पर, कुछ यहाँ पर तो है नहीं सपोर्ट के लिए, तो आप इसको ना यहाँ पर ऐसे लगा सकते हो। उसके बाद आप इस पर जो भी रखोगे ना, वो गिरेगा नहीं। मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार, ये मेरी कॉपी है, और मैं कुछ भी चाहूँ तो इस पर यहाँ पर पढ़ सकती हूँ। लाइक बेसिकली यहाँ पर आप अपनी बुक रख सकते हो जिसको आप पढ़ रहे हो, और इस वाली साइड पर आप अपनी कोई भी नोटबुक रख सकते हो। तो यहाँ पर आप अपनी नोटबुक रख दो, और जो भी आपको नोटिंग करनी है साथ के साथ आप करना शुरू कर दो। ओके, तो जैसे मेरी ये कॉपी है, ये मेरी बुक है, तो मैं इसमें से पढ़ूंगी, उसके बाद यहाँ पर मैं नोट करूँगी। तो बेसिकली ये मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ लगी कि एक जो है साइट वो है, वो टिल्ट हो जाती है, जितना भी आपको इसको करना है उतना हो जाएगी टिल्ट, दूसरी वाली साइट टिल्ट नहीं होती। तो बेसिकली आप यहाँ पर अपनी कॉपी रख सकते हो। एंड एक और चीज़ है इसमें, यहाँ पर एक सेक्शन है, इफ़ आई कैन शो यू, दिस इज़ दिस सेक्शन। यहाँ पर आप अपना फ़ोन भी रख सकते हो। यहाँ पर बेसिकली आजकल क्या हो रहा है ना, मोस्टली क्लासेस जो हैं वो ऑनलाइन ही हो रही हैं, तो स्टूडेंट्स को क्या है ना कि वो फ़ोन पर क्लास ले रहे हैं, देन यहाँ पर लिख रहे हैं, बुक में से पढ़ रहे हैं। तो बेसिकली ये जो
टेबल है ना, सब चीजें कवर कर चुकी है ऑलरेडी। एंड गाइज, इतना ही नहीं, इसमें एक हिडन सेक्शन है जो कि मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया, और ये चीज ना हर टेबल में नहीं थी, तो मुझे तो ऐसा लगा कि वाओ, मतलब मुझे सब कुछ ही मिल गया एक टेबल में। और वो मैं आपको दिखाती हूँ क्या वो हिडन सेक्शन है। ये देख सकते हो आप, इसको आपने ओपन करना है। सो इट इज अ ड्रॉअर, छोटी सी क्यूट सी, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगी, इतनी क्यूट है ना, छोटी सी। आप इसमें अपना कोई भी पेन रख सकते हो या फिर बेसिकली कोई भी चीज़ रख सकते हो जो कि आपको डर है कि इधर उधर खो ना जाए। तो मैं, मेरे पास कुछ है नहीं, मैं पेन रख देती हूँ और ये एयरफोन रख देती हूँ इसके अंदर। चला जा मेरे भाई, चलो। सॉरी गाइज, थोड़ा क्लम्जी हो गया, बट इतनी, मैं कोई टेक्निकल, मेरा चैनल नहीं है तो मेरी अनबॉक्सिंग भी आपको खराब ही लगेगी, बट सह लेना, कोई बात नहीं। तो बेसिकली ऐसा कुछ है, ठीक है। तो बेसिकली आपको समझ आ गया होगा कि इस छोटे से टेबल में कितनी सारी चीज़ें हैं। और अगर मैं प्राइस वाइज बोलूँ तो आप जो नॉर्मल यू नो टेबल चेयर लेने जाते हो, आई थिंक इस वाली टेबल का प्राइस आपको उसका 1/4 ही पड़ेगा। क्योंकि मैंने होलसेल में ली थी, मैंने 25 पीसेस ली थी, तो मुझे थोड़ा कम पड़ा। बट अगर आप सिंगल टेबल लेने जाओगे तो आई थिंक आपको 700-800 कुछ पड़ेगा। ऑनलाइन और भी ज़्यादा महंगी है ये, आई थिंक 1000 से ऊपर के आपको मिलेंगे ऑनलाइन। तो ऑनलाइन आई विल नॉट सजेस्ट यू कि आप ऑनलाइन परचेज करो। बट हाँ, अगर आप बाहर नहीं जाना चाहते हो, घर के कम्फर्ट पर रहकर आप एक यू नो ऐसी पोर्टेबल स्टडी टेबल परचेज करना चाहते हो, तो आप ऑनलाइन जा सकते हो। बट अगर आपको ज़्यादा लेनी है और आप सेविंग भी करना चाहते हो, तो डेफिनेटली आप किसी भी ऑफलाइन मार्केट में जा सकते हो। बेसिकली ऑफलाइन मार्केट मतलब आप किसी मार्केट में पर्सनली जाकर ये टेबल को परचेज कर सकते हो। मैंने पर्सनली ये टेबल परचेज करी है फ्रॉम पंचकुया मार्केट, नियर आर के आश्रम मार्ग या झंडे वाला ना, क्या था वो, आई थिंक झंडे वाला नहीं है, हाँ आर के आश्रम मार्ग, दिल्ली में आर के आश्रम मार्ग स्टेशन है, उसके पास एक पंचकुया फर्नीचर मार्केट पड़ती है, वहाँ से मैंने परचेज करी है। मुझे बहुत पसंद आई है। एंड वी हैव डिफरेंट कलर ऑप्शंस आल्सो, सो लेट मी शो यू वन बाय वन। सो वी हैव दिस कलर, इट्स आई थिंक डार्क पिंक, थोड़ा पिंक एंड रेडिश में है। दिस इज अनदर कलर, देन दिस इज एक्चुअली प्रिटी। ये एक कलर है, ये मुझे पर्सनली ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये वाला कलर। सो एंड देन आई थिंक बॉयज विल लाइक इट, क्योंकि ब्लू कलर है, तो दिस इज द ब्लू कलर। एंड वी हैव पिंक कलर, बट दिस टाइम इट्स लाइट पिंक, सो आई थिंक गर्ल्स आर गोइंग टू लाइक दिस वन, दिस इज इन पिंक कलर। सो ये हो गया, ओके, पिंक, देन वी हैव ब्लू, देन वी हैव ग्रीन। ग्रीन मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत यूनिक है, तो मुझे अच्छा लगा ये वाला। एंड देन इट्स डार्क पिंक और ऑलमोस्ट रेड, ओके। एंड देन दिस इज द ऑरेंज। मेरे टाइम पे मुझे ये वाली टेबल्स क्यों नहीं दिखी यार, बहुत अच्छी हैं। सो यस गाइज, दिस वॉज दी अनबॉक्सिंग ऑफ दिस स्टडी टेबल, एंड मुझे ये शूट करते हुए बहुत मज़ा आया। आई डोंट नो कैसा आपको लगेगा या नहीं, बट मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया। थैंक यू सो मच फॉर बींग विद मी इन दिस वीडियो। एंड अगर आपको अच्छी लगती है, पसंद आती है, तो प्लीज़ इसको अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा और खूब सारा शेयर करिएगा। इन केस मैं अपने आइडियाज़ के थ्रू किसी की हेल्प कर पाऊँ तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो प्लीज़ शेयर करना, इसको लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो। सो लेट्स मेक इट 10K ऑन माय इंस्टा एज वेल। थैंक यू सो मच गाइस फॉर सपोर्टिंग मी थ्रू आउट दिस जर्नी, और मुझे बहुत अच्छा लगा आप सभी को यू नो ये प्राइज़ देते हुए। जो नहीं जीत पाए, डोंट वरी गाइस, आप मुझे जितना ऊपर लेकर जाओगे मैं ऐसे कॉन्टेस्ट लाती रहूँगी। सो यस गाइस, आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़।